और मेरे मन में एक ही भाव है, जब तक मेरी सांस चलेगी मैं विनम्रता से अपनी जनता की सेवा करता रहूंगा। नीचे जनता की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है और जनता ही भगवान का रूप, तो उसी रूप में अपनी पूरी टीम, मेरे सारे विधायक साथी, जिलाध्यक्षगण, संगठन के सभी पदाधिकारी, नीचे तक के कार्यकर्ताओं के साथ मिलके, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ मिलके हम जनता की विनम्रता से सेवा करते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि विकसित भारत के निर्माण के लिए अपने आप को समर्पित करें। इस समय मेरे मन में यही भाव है कि विकसित भारत के निर्माण के लिए हम विकसित विदिशा संसदीय क्षेत्र बनाए। और जब मैं विकसित की बात करता हूं तो कई विचार मेरे मन में आ रहे हैं जो अपने साथियों के साथ शेयर करके, हर पोलिंग बूथ कैसे, पोलिंग बूथ के गांव या शहर कैसे बेहतर ढंग से विकसित हो, स्वच्छता हो, जल संरक्षण हो, बेटी बचाओ हो, लखपति दीदी हो, रोजगार के साधन हो, बेहतर शिक्षा हो, कई तरह की चीजें दिमाग में हैं, वो करने का हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया कि अगले 25 साल तक विकसित भारत के लिए अपने आप को समर्पित कर दें, हम अपने आप को समर्पित करते हैं, समर्पित भाव से काम करेंगे। कल शाम को 7 बजे विदिशा संसदीय क्षेत्र के हर पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के साथ मिलकर विकसित अपने गांव के लिए संकल्प लेंगे। मैं नहीं, हम सब, और हम मतलब केवल विधायक, जिलाध्यक्ष और ऊपर के कार्यकर्ता नहीं, सभी जनप्रतिनिधि और आम जनता, कि हम अपने गांव को बेहतर बनाने में और जनता के बेहतर कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक दिन भी गवाए बिना हम कल से ही काम प्रारंभ करेंगे और जीवन की जितनी सांसें बची है इस पवित्र काम के लिए समर्पित करके अपनी जनता की बेहतरी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आसाम के बाद भाई, तो आसाम के बाद देश की सबसे बड़ी जीत है, जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। जो जिम्मेदारी है पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पहले भी निभाई है और आगे भी निभाते रहेंगे। भाई साहब, आप पार्टी के माध्यम से देश की और जनता की सेवा, विदिशा में आप बहुमत से जीत हासिल करी, मध्य प्रदेश में 29 सीटें आई, लेकिन एनडीए कहीं ना कहीं 400 बार का जो आंकड़ा था उससे कम रह गया, आपका क्या मानना है? 29 सीटों के लिए मैं मध्य प्रदेश की जनता को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि कसक रह गई थी। पिछली बार हम 28 छिंदवाड़ा हम हार गए थे 37,000 वोट, और विधानसभा के चुनाव परिणाम आते ही हमने संकल्प लिया था, मैं स्वयं भी छिंदवाड़ा गया था, हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने बेहतर काम किया, अब सभी 29 सीटें हम जीते हैं, एक नया इतिहास बना है। और ये मोदी जी के प्रति विश्वास का प्रतीक है। तीसरी बार 300 सीटें पार करके एनडीए ने शानदार बहुमत प्राप्त किया है, ये अपने आप में एक चमत्कार है। और मोदी जी फिर भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, मेरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत न केवल विकसित भारत बनेगा बल्कि दुनिया को भी दिशा दिखाएगा। सौभाग्य हमारा जो ऐसा नेतृत्व मिला है और जनता का इतना प्यार है। चलो।